हम आपको एक ऐसी हकीकत से सामना करा रहे हैं जिस हकीकत को आप लोग सुनकर हैरत में रह जाएंगे। समाज में गरीबी एक ऐसा अपराध है जिसकी वजह से लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। ऐसा ही एक मामला मैनपुरी जनपद के थाना तहसील किशनी के ग्राम मीरपुर ढकरोई का है। यहाँ की रहने वाली सोनी तथा मौनी दो सगी बहनें हैं। इनके पिताजी का नाम ओम प्रकाश है। पिताजी व भाई बहुत ही गरीब थे। लड़कियां बड़ी हो गई थी जिसकी चिंता पिता ओम प्रकाश को दिन रात खाए जा रही थी। पास में गांव कुम्हौल के रहने वाले सलीम ने बड़ी बेटी सोनी की शादी वर्ष 2011 में सीताराम पुत्र लालाराम मकान नंबर 502 मोहल्ला अहमद थोक थाना भरगैन में मशरक थाना पटियाली जिला कासगंज में करवा दी थी। इसके बाद सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे पति ने 2-3 महीने हमको ठीक ठाक रखा, उसके बाद आसपास की महिलाओं को बुलाकर उनके साथ दुष्कर्म करता था और छोड़ देता। इस बात का विरोध करने पर हमको कई बार घर से बाहर निकालने की धमकी दी तथा यह भी कहा कि तू चली जा तो मैं तेरे बाद तेरे जैसी तमाम महिलाएं अपने घर में ले आऊंगा। मेरे घर वाले गरीब हैं, इसी का फायदा उठाकर मेरे साथ हर बार मारपीट की जाती थी। छोटी बहन मौनी ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 5 वर्ष बाद हमको विजय कुमार पुत्र लालाराम भगा ले गया और करीब 2 वर्ष तक उसने घर से निकलने तक नहीं दिया। हर रोज हमारे साथ जबरन दुष्कर्म किया जाता था। कई बार अपने घर वालों जाने की बात कही तो मेरी सास दुलारी देवी, ननद सुख देवी, जीत चरण सिंह, सीताराम देवर, अजय कुमार सभी मुझे जान से मारने की धमकी देते थे और मेरे साथ मारपीट भी करते थे। कई बार मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालने का धमकी दी और डाला भी और जान से मारने की भी कोशिश की गई। आज मुझे मेरा पति विजय कुमार 75,000 रुपए में बेचने की बात कर रहा था, तभी मैं अपनी जान बचाकर अपने घर चली आई। दोनों बहनें अपने दो पतियों से परेशान थी। सोनी का पति कई महिलाओं को भगा ले गया और घर पर जाकर अपनी पत्नी को मारता था। मौनी का पति दूसरी औरतों से नाजायज संबंध रखता था और छोटा देवर अजय किसी मुसलमान लड़की को रखकर उसके साथ नाजायज संबंध बनाए हुए था। पूरा घर लड़कियों का व्यापार करता था। आइए सुनाते हैं कि दोनों बहनों की उनकी जुबानी सच्चाई क्या थी, क्या है। का नाम, हम इधर क्या है अपने मायके में दो सगी बहन है अपने घर में और उधर भी दोनों भाई है, सीताराम और विजय। वो लड़की क्या है, लड़की चक्कर में दूसरे का जाति उठाती है। इसका घरवाला है जो विजय, वो घर में का नाम हम लोगों को घर से निखार के बाहर कर देता। मेरे माँ बाप इसलिए, माँ मेरी ख़त्म हो गई, बाप मेरा है, उसकी बाएँ टूटी, वो बेचारे कोई काम लाए नहीं और का नाम बे लोग निखार के कर देते जगाते तेरे बाप। और जब मैं घर से निकल जाते तो मेरे घर वालों के ऊपर आरोप लगाते, चोरी लगाते कि मतलब चीज बत लेगी और मतलब पैसा टका लेगी घर से। तो कामना, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मतलब मैंने फिर अपने वो करी है, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मतलब मैं कोई, मेरी कोई कही ही नहीं रहा, इसलिए मैं मतलब मैंने स्वाग वो किया जो मतलब मेरी कोई चीज़ सुनवाई करी है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं थाने में जाके कोई कार्रवाई करे तो मेरी कोई कार्रवाई में सुनवाई नहीं हो रही। मैंने डाक द्वारा अपने शिकायत की है जो इसलिए मेरी मतलब कोई भी काम की सुनवाई करी जाए, इसलिए मतलब मैंने डाकिया द्वारे से भेजा है। हमारे पति मांगते हैं, हमारी बहनों के साथ होगी शादी की। हम बहनें दोनों एक ही घर में आएंगे, बाप गरीब थे तो एक ही घर में शादी कर दी जाएगी। उनको पति है, वो औरतों को भगा भगा कर ले जाता है। वो उनकी अमने को कहते हैं हमें मात कूटे देंगे दहेज पीछे कि तेरे बापन तो दह का दो है, तेरे बापन तो दह का दो है। वो अब कहा सुनते हैं तो घर से निकालते हैं, मारते हैं, मात तो करते हैं, दहेज कहते हैं। रात दिन खाना ना खान देते हैं, खाना खाने के टाइम पर कलेश करते हैं। कहते हैं तेरे बाप करें का, तेरे बाप है का, तेरे बाप का करें, अपने बाप बहन बुलाए फिर देख तेरे बाप बहन कौन दफा कर रहे हैं इन पर। तो मैं घर से निकल आया, घर से भगाए दो है को मार कूट के, और जब कह तलाक दिए तो रखे ना, छोटो सा बच्चा है मेरे 4 साल को, 4 साल का बच्चा है वो। अब बता छोटो हम कहाँ जाएँ, अपने घर आए हुए आएंगे, अब क्या करें। कुछ केस ठाव करते हैं तो गाली फाड़ी देते हैं, गाली गलौज फ़ोन पर गाली गलौज करते हैं,
वैसे गाली गलौज करते होंगे, वस्ता देते हैं, मारने की धमकी देते होंगे कि तो जी ना दें, मर डरे हैं, जब कह मैं दूसरी शादी करें, मैं दूसरी औरत रखें, तू अच्छी ना आएगी, कि तेरे बापन का दहेज दे दो, वो दहेज किसी से करो, मैं मात कूटते हैं, घर से निकालते होंगे, मैं घर से निकल जाते होंगे तो झूठी धमकी देते होंगे, दहेज लेके भाग गई है, इतना इतना पैसा लेके गई, दहेज लेके गई, दहेज मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना दहेज, कुछ भी ना है, वो झूठे इल्जाम रखते हैं कि तू इसको रखती उसको रखती, अजय हैं, विजय हैं, सीताराम हैं, चवन सिंह हैंगी, हमारी सास हैंगी, नंद हैंगी, सब पूरे घर परेशान करो, पूरे घर तंग कर रो है वो हमें, हम हमें गाली देते, हमारे बच्चे गाली देते, जाकर हमारे बच्चा को बच्चा ना है वो, कल दूसरे को है वो, हम मौनी बोल जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं, मेरी दो बहनें हैं सगी, और दो दो मेरे भानोई हैं, मैं वहाँ जाता हूँ उनके पास लेने के लिए, तो वे मारने की धमकी देती है, देते कहते हैं कि तुम्हें झूठे मुकदमा में फंसाए दिए हैं, मेरी बहन को मात पीटते हैं, दूसरी मेरियाँ बजा के ले जाते हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि क्या मारपीट की जाती है। हाँ, मारपीट करते हैं, धमकी देते हैं मरे बे की जगह आओ, हम तो मरे हैं, जो करें वो करें, फलाना ठिकाना, इसलिए हम जात नहीं कहीं, बस। तो आपकी बहनें दोनों सगी हैं एक तरफ से, उधर दोनों भाई सगे हैं। मेरी दोनों बहनें सगी हैं, उधर दो भाई हैं सगे, विजय सीताराम, ये लोग बहुत तंग करते हैं, मारी बजा देते हैं घर से बाहर। क्या कोई धमकी भी देते हैं? धमकी देते हैं कि तुम्हारी बहनें ये रही वो रही चीज बत रही, दहेज नहीं दो, जुए बुए इसके पीछे लड़ाई करते हैं हुए। तो कोई शिकायत वगैरह की है क्या? शिकायत वगैरह की है ना, डाक द्वारा रजिस्ट्री भेजी है, प्रधानमंत्री IFDA पास भेजी है। क्या नाम है तुम्हारा? राजीव। और बहनों का क्या नाम है? सोनी, मोनी। किस गांव की निवासी है? मीरपुर, जिला मैनपुरी, पोस्ट ऊँचा इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ। और शादी कहाँ हुई तुम्हारी दोनों बहनों की? शादी परगेन गांव, थाना पटियाली। तुम्हारा क्या नाम है? राजीव।